अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू साइमास किचन। आज हम बहुत ही मज़े के ये पराठे बना रहे हैं जिसका नाम है आलू मेथी के पराठे, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको बनाने के लिए ये यहाँ पे सबसे पहले मैं गूनूंगी आटा। आटा गूनने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कप मैंने आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आटा लिया है। इसमें डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। 3 कप आटा है, 1/2 टीस्पून नमक और ये 1/2 टीस्पून ही अजवाइन है, ये डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ताज़ी मेथी ली है, जिसकी मैंने एक गठी एक पाव की गठी ली थी, जिसमें से ये मैंने पत्ते निकाल के इसको साफ कर लिया है। ये 150 ग्राम मेथी है, धुली हुई साफ। अब इसमें यह डाल दूंगी, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। अब ये सारी मेथी इसमें मिक्स करूँगी। सारी मेथी को मैंने आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब पानी से हम इसको आटे को सॉफ्ट सा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पक करके आप पानी डालें। आप चम्मच को हटा के हाथों से अच्छी तरह मैं इसको गूंदूंगी। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आटा गूंद लिया, इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल लेके इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको मैं रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उतनी देर हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज के, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा करके हाथों से मैश कर लिया है। 4 टेबलस्पून कटा हरा धनिया, 4 टेबलस्पून कटी प्याज बिल्कुल बारीक, यहाँ पे मैंने स्लाइस की है। आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करनी बारीक की है इसको, फाइन चॉप या फाइन स्लाइस में। और यहाँ पे 2 से 3 कटी हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे 1/2 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। चले ये सारी चीज़ें आलुओं में हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी सारे मसाले और ये धनिया प्याज और ये हरी मिर्चें। बहुत ही मज़े की ये स्टफिंग भी बनेगी और बहुत ही मज़े के ये आलू मेथी के पराठे बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह आलूओं में हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने पराठे की स्टफिंग तैयार कर लिया। अब इसको साइड पे करके हम आटे के पेड़े कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आटे के पेड़े कर लिए हैं, सिंपल जो आटा गूंदा था उसके मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब इसको हम घी लगाएंगे। यहाँ पे एक पेड़ा लूँगी मैं और इसको मैं सूखा आटा लगाऊंगी और इसको मैं बेलूंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनके तैयार होंगे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आप सब घर वालों को ये पराठे पसंद आएंगे। अब इस पर थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं हमने लगाना, बस थोड़ा सा। सारा फैला दूंगी और इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे। इसको मैं नाइफ की मदद से साइड से काट लूंगी और इसको इस तरह हम रोल करेंगे ताकि ये हमारे पराठे की लेयर्स पर आए। इस तरह बस इसी तरह ये मैं सारे तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो 3 कप आटा लिया था उसके हमारे 5 पराठे बनके तैयार होंगे। यहाँ लिए आप एक पेड़ा लेंगे और इसको हम आटे में, अब इसको आटा लगा के इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे करके अब मैं इसको उंगलियों की मदद से थोड़ा सा किनारों को मैं बारीक कर लूँगी। और यहाँ पर हम इसकी स्टफिंग भरेंगे, ये जो हमने आलुओं का मिक्सचर बनाया हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं इस तरह बंद कर लूँगी। ये देखें, अंगूठे की मदद से हम स्टफिंग को अंदर करके इस तरह बंद करते जाएंगे। इसमें हमने स्टफिंग भर के सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब तवा हमारा गर्म हो रहा है, अब इसको हम पेड़े को
बेल लेंगे। हमारे घर में ये सब शौक से खाते हैं, आप भी इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करके ये पराठा इसके ऊपर डाल देंगे और एक तरफ से इसको हम सिकने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये ऊपर से जब सिक जाए आपने फिर इसकी साइड चेंज करनी है और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। जैसे हम पराठों को लगाते हैं वैसे ही इसमें हम ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम फिर दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। बस इसी तरह हम दोनों तरफ ऑयल लगा के इसको हम पराठे को अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर कलर आ गया और खुशबू आपको मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा इस पराठे की खुशबू फैली हुई है। अब ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है। अब इसको उतार के हम इसी तरह दूसरे पराठे पका लेंगे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और करारे हमारे आलू मेथी के पराठे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए एक बाइट में आपको तोड़ के बताती हूँ ये कितना मज़े का पराठा है। ये देखिए बस बहुत ही मज़े के हमारे आलू मेथी के पराठे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे। और इसको मैंने ज़ीरा के रायते के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये मेरी आलू मेथी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।